जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो एस 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 जी डी के भीजेंट टाइम में वेट कर रहे हैं फिजिकल डेट का और उन्हें ये नहीं पता है कि फिजिकल डेट का आप इंतजार कर रहे हैं और आप बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि कई स्टेट में लॉकडाउन की स्थितियां बन रही है जहां पर संडे को कई जगह संडे सैटरडे को लॉकडाउन हो गया कई जगह सप्ते में केवल तीन ही दिन कार्यालय खुल रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर लॉकडाउन की सत्ताएं दे दी गई है इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको अनिवार्य है जो आपके होना बहुत ही अनिवार्य है अभी अगर फिजिकल आपका शुरू हो उससे पहले पहले तो नहीं तो फिर ऐसा होगा कि फिजिकल में आप जाओगे तो सही लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण वहां पे फंस जाओगे देखिए आपके जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स है कई बच्चे ऐसे जिनकी क्लास की मार्कशीट अभी कॉलेज में जमा है या कहीं और जमा है किसी और कोर्स में जमा है कई पॉलिटेक्निक आईटीआई टी सेक्टरों में जमा है तो फिर बाद में आप जब फिजिकल के ले जाओगे और लॉकडाउन की स्थिति बन गई मान लो आपके राज्य में पाकिस्तान इंटर लेवल पर अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो आपका फिजिकल स्टार्ट रहेगा फिजिकल चलेगा उस समय आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसीलिए जो भी कागजात है वो अभी आपको तैयार कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हो कि

अनिवार्य चाहिए हंड्रेड परसेंट दूसरी बात इन सभी में आपके नाम फादर्स नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ वो बिल्कुल सही होनी चाहिए आधार कार्ड में और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस भी सेम होना चाहिए ध्यान रखिए इस बात का आपका एड्रेस में भी ऐसा नहीं हो कि अगर अलग अलग हुआ तो फिर आप वहां पर जाके फंस जाओगे ठीक है तो जिन भी बच्चों को अगर चेंजिंग कराना है मान लो कि आपने फॉर्म भरते समय नहीं कराया अभी अगर आप चेंजिंग कराना चाहो आधार कार्ड में तो फिंगरप्रिंट लगा के चेंज करा सकते हो और अपनी टेंथ क्लास की मार्कशीट के अनुसार इन चीजों को करवा लीजिए इसके अलावा आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो उस समय ही बना लेना जब आपको मांगा जाए उसकी अभी इतनी जल्दी नहीं है बाकी मुख्य रूप से टेंथ क्लास मार्कशीट डोमिशियल का सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस वाला उनके पास में ईडब्लू जो नक्सल एरिया से उनके पास में जो नक्सल का सर्टिफिकेट है वो ठीक है और नक्सल का सर्टिफिकेट नहीं भी है जैसे कई जगह बन रहा है कई जगह नहीं भी बनता है बन उसकी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है एस सी वाले के पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट हंड्रेड होना चाहिए ठीक है ओबीसी का जो तो सर्टिफिकेट बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंटर गवर्नमेंट का होता है वो बनना चाहिए एस सी में कई जगह सेंटर का बनता है कई जगह नहीं बनता है तो जो भी आपके पास में जिस भी स्टेट में नहीं बनता तो, तो उस स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वो होना हंड्रेड परसेंट चाहिए तो ये अभी से तैयार कर लीजिए नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी ठीक है फिर बोलोगे पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत जय हिंद जय भारत लाडलो